A crush of many ladies, girls, a very fantastic actor, singer, and a very famous personality. अगर मैं इनका introduction देने जाऊंगी तो ऐसा लगेगा showing the light towards the sun. So please welcome one and only amazing, amazing Mr. Sekhar Suman, everyone. I'm very happy to invite you, sir, over here. This is such a pleasure. And now I would like to invite a very handsome personality, a very, very attractive singer and actor. Music and art is in his blood. So the son of Mr. Sekhar ji, Mr. Adhyayan Suman, can we have a big clap for him? And now I would like to invite over here the beautiful, the gorgeous, she won Pavana Miss India 2018. She won the title of Teen International in 2016. So please welcome Steffi Patel over here, the gorgeous. She worked in Tollywood and Hollywood. And now I would like to invite a very fantastic Bengali dancer. She has been the finalist of the biggest reality show, Dance India Dance, Khushbu Purohit. Everyone, big hand for him, for her. And now I would like to invite the writer of this film and the writer of a very famous film, Zilla Ghaziabad. Please welcome, with a huge clap, Mr. Vinay Ramkishan Sharma. Welcome. So, welcome all of you. Look at the happy faces over here. And now I would like to invite the captain of the ship, a very fantastic actor, amazing director. Please welcome him over here. Short introduction I want to give. The director of Kings of Mafia, Mr. Manish Vatssalya. इनको हमने सबसे पहले देखा था एज एन एक्टर अ वेरी फेमस सॉन्ग तेरी दीवानी एंड देन हिज फर्स्ट फिल्म वाज जीना है तो ठोक डाल वाह व्हाट अ मूवी ये फिल्म गई थी बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म इन मेक्सिको एंड आफ्टर ऑल स्कॉटलैंड इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म स्कॉटलैंड सो आपका हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं वेलकम ऑल ऑफ यू सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू Please take a seat. Launch of the poster of the film Kings of Mafia. Come on, everyone! तालियों के साथ में तैयार रहिएगा आप सभी अपने. Well, ये शुरुआत है.
ये टाइम बहुत ही स्पेशल है. इट्स अ स्पेशल टाइम. कैन वी हैव अ बिग क्लैप ऑल ऑफ यू. Big hand for sir. सबसे पहले मैं टीम वत्सल्य
बट सबसे पहले थैंक यू एवरीवन माय पंतोला का मैं बहुत ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर होने के लिए और आई थिंक ये साल मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज बहुत से काम मैं करने जा लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं सर आश्रम के बाद आप दिख नहीं रहे तो होपफुली मैं इतना दिखूंगा आप लोग बोल जाएंगे मुझसे बट जोकिंग बट बहुत कुछ होने वाला है फैक्ट दैट आई एम रीडिंग माय नोट वर्किंग विद द बिगेस्ट डायरेक्टर इन द कंट्री टुडे इसके बारे में भी अनाउंसमेंट नहीं हो चुकी है बट सो मेनी एक्साइटिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग टुडे मनीष जी सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर यू नो हैविंग ऑल द फेथ एंड ट्रस्ट इन मी टू प्ले द टाइटल रोल ऑफ जिमी डिसूजा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर थैंक यू सो मच अगेन बीइंग माय प्रोड्यूसर एंड सॉर्ट ऑफ हैविंग फेथ इन मी और ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा बस ऐसा किरदार मैंने प्ले नहीं किया है सो आई एम एक्साइटेड एंड थैंक यू स्टेफी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस थैंक यू एवरीवन थैंक यू सोनू जिसकी वजह से प्रोजेक्ट याद आया थैंक यू सो मच उसको तो मैं भूल ही नहीं सकता लाइफ में बट सर थोड़ा कहानी के बारे में बताइए आप प्लीज तो अब मैं इनवाइट करूंगी आपके बारे में तो मैं बस यही बोलूंगी कि आप जिस प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं उसका अवार्ड विनिंग होना तय है सो बिग हैंड फॉर मिस्टर मनीष वात्सल्य एंड वी वांट टू हियर सम वर्ड्स फ्रॉम यू यू आर द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म सो एवरीबॉडी इज एक्साइटेड पहले तो आप सभी लोगों का शुक्रिया आप लोग यहाँ तक आए अपना कीमती वक्त निकाल कर और जो बातें शेखर सर ने कही मैं बचपन में जब मैं बिहार में पैदा हुआ और शेखर सर को देख देख कर बड़ा हुआ तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके सामने बैठना उनके बगल में बैठना मेरे लिए बहुत ही इज्जत वाली बात है और एक अभिनेता के लिए और एक उनका एक प्रशंसक होने के नाते मैं बड़ा खुश भी हूँ और जब मैं इनको नरेशन देने गया था तो थोड़ा नर्वस भी था लेकिन मैंने कोशिश की एक अच्छी स्टोरी सुनाने की और सर ने सुनने के बाद उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली सर से पहले मैंने अध्ययन को ये स्टोरी सुनाई थी और उन्हें बहुत पसंद आया था और एक लंबा प्रोसेस है बिकॉज जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर एडम सैनी वो उसे एक बड़ा लंबा रिश्ता है और मैंने उनके साथ इससे पहले एक फिल्म की थी इस फिल्म का नाम था स्कॉटलैंड कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं इस फिल्म को तो उसके बाद एक समय लगा कुछ लंबा समय जब फिर से एडम सर को मैंने इंडिया इनवाइट किया कि एक और कुछ बनाते हैं साथ में तो ये बेसिकली एक किंग्स ऑफ माफिया ये एक सीरीज है जो 100 एपिसोड्स की होगी इसमें ये पहला सीजन है हमारा जो 10 एपिसोड का होगा इसके बाद जो है हम तकरीबन 100 एपिसोड इसका बनाएंगे और ये जो कहानी है ये सीरियन माफिया सीरियन टेररिस्ट के ऊपर बेस्ड है और पहली बार शेखर सर इसमें एक बहुत ही अलग किरदार प्ले करने जा रहे हैं जो मेरे लिए भी जब मैंने इनका गेटअप और इनका पूरा स्ट्रक्चर देखा तो मैं बड़ा हतप्रभ रह गया कि मतलब सर का उस रूप में आना ये पहली बार हो रहा है तो वो कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि परवाह नहीं परवाज को कि पर काट लेगा कोई कि परवाह नहीं परवाज को कि पर काट लेगा कोई क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं तो बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए और आप सब हमसे कुछ लोग बड़े हैं और कुछ लोग हम साथी हैं कुछ लोग छोटे हैं सबका प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए इस प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों की शुभकामनाएं हमें की आवश्यकता है और बहुत जल्दी हम मार्च में इसको हम फ्लोर पे लेके जा रहे हैं इसकी पूरी शूटिंग विदेशों में करने वाले हैं तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो गुड इवनिंग आप सबको नमस्कार मकर संक्रांति और पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं पहले तो इतने शुभ दिन हमें कल आई एम सो हैप्पी एंड आई थिंक दिस इज ये मेरा पहला मीडिया इंटरेक्शन है बॉम्बे में सो आई एम वेरी एक्साइटेड आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप कि और मैं देखती रहूं स्टार्टिंग आई एम सर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड टू मेक ऑल ऑफ दिस हैपन इट्स रियली ब्यूटिफुल मनीष सर द कैप्टन ऑफ द शिप थैंक यू सो मच फॉर ऐसा जो आपने लिखा है द स्टोरी ऑब्वियसली आई कांट रिवील मच बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी फिल्म्स की है मेरा कैरेक्टर और इसमें जो मैं प्ले कर रही हूँ इसका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है यू कैन सी इन द पोस्टर मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ प्ले नहीं किया अब तक सो एज एन एक्टर ऑल्सो जब आप कुछ अलग प्ले करते हैं तो
share the screen with you. Adhyayan, the handsome guy, everyone loves him, of course. And I was telling him when he made his debut on screen, I was like, whoa, who is this? What an acting, what a performance. And jumping to Mili Pehli Baar scene, I was so excited. And I'm bahut khush hu to share screens with so many amazing actors. And I hope I do justice. So, Kings of Mafia, shooting jaldi shuru kar rahe hain. Aap sab ka bahut shukriya jo bhi yahan par aaye hain. Thank you so much. And I'm so happy to be part of such a great team. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you so much. Manish, ko sabse pehle congratulations. बहुत पहले से साथ काम करना चाहते थे और वो चीज़ें नहीं बन रही थी. फाइनली हम लोग साथ आए और इस सीरीज़ के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट है तो वो है शेखर सर का. ऑनेस्टली मैं दिल्ली में था जब मनीष ने मेरे को बोला मैं अध्ययन को सुनाने जा रहा हूँ. मैंने कहा अगर अध्ययन को सुनाने जा रहे हो तो मैंने कहा शेखर भाई को जरूर साथ, क्योंकि शेखर सर के साथ मैं बहुत पहले कुछ हम लोग प्लान कर रहे थे तो हो नहीं पाया. लेकिन फाइनली अभी वो मौका मिला साथ करने का. और मैडम सर सो मच, मनीष भाई मेरी स्क्रिप्ट पे बिलीव करने का. और अध्ययन भाई की एक छोटी सी बात मैं काटना चाहता हूँ. अध्ययन भाई ने बोला कि इस साल बहुत सारा मेरा आने वाली है फिल्म्स और वेब सीरीज की, आप बोर हो जाएंगे. बोर नहीं होंगे, आपसे प्यार हो जाएगा लोगों को. और किंग्स ऑफ माफिया के बाद आपसे डेफिनेटली मोहब्बत होने वाली है. और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. हर अच्छी चीज की शुरुआत एडम से होती है. दुनिया की शुरुआत एडम से हुई. अब दुनिया कितनी हसीन हो गई. तो अब जाहिर है कि एडम साहब से शुरुआत हो रही है तो फिल्म की शुरुआत भी अच्छी होगी. जैसा कि मैं मजाक में कह रहा था लेकिन उसमें कुछ हकीकत भी ये है कि ये फिल्म वाकई मैंने इसलिए भी की शुरुआत में क्योंकि मुझे हुसैन जैदी साहब की जो है दाढ़ी बहुत पसंद आई. मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ मुख्तलिफ करने वाला हूँ अलग. और दूसरी बड़ी एक अजीब सी वजह है वो ये कि ये पहली बार देख रहा हूँ. इसके लिए आप लोग भी शायद प्रशंसा करना चाहेंगे कि देखेंगे कि पहली बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतने वेल ड्रेस्ड हैं और अच्छे तरीके से कपड़े पहन के. वरना प्रोड्यूसर मारा मारा बच्चे उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती रहती हैं, वो एक बैग रुपयों का थैला लेके इधर से उधर भागता रहता है और डायरेक्टर है उसके हाथ में कई धागे रहते हैं, थोड़ा सा टीका रहता है, उसके पीछे चार पांच चमचे घूमते रहते हैं असिस्टेंट. तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर, ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़माना बदल गया है. वो दुनिया जो एडम ने शुरू की थी इस एडम की दुनिया से बहुत फ़र्क है. तो ये हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और इनकी सोच बहुत अच्छी है. और जब एक जैसे मैं कह रहा था कि सोच में जब सफाई होती है, क्लैरिटी होती है, तो उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है. और जब इस सब्जेक्ट के साथ वो आए, हालांकि देखिए कि इस पे कई फिल्में बन चुकी हैं, बन रही और बनते ही रहेंगी क्योंकि अंडरवर्ल्ड अपने आप में एक इतना विस्तृत विषय है, इतना वास्ट है ये सब्जेक्ट और इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने किरदार हैं, उनके बारे में आप जितना कहें, जितने तरीके से कहें वो कम है. तो उनमें से बड़े अजीब अजीब से भी कैरेक्टर हुए हैं, कुछ बदमाश लोग जो दिल के अच्छे रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नकारात्मकता है या नेगेटिविटी है या स्टेट ऑफ विलनी है, जो विलन होते हैं उनको विलन दिखना ज़रूरी नहीं होता है कि कोई विलनी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. आदमी अंदर से बदमाश होता है या उसकी हैवानियत अंदर रहती है, उसके चेहरे से कोई लेना देना नहीं है. हालांकि ये भी सच है कि कुछ दिनों के बाद वो हैवानियत जो है वो धीरे धीरे करके शक्ल पे भी उभरने लगती है. लेकिन बहुत सारे अंडरवर्ल्ड को आप देखेंगे बोलेंगे इतना हैंडसम आदमी और इतना खूबसूरत आदमी ये सब करता है. बहरहाल इसमें कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग हैं, जुदा हैं एक दूसरे से. और मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात ये है कि एडम ने ये सोचा कि वो इंग्लैंड में भी फिल्म बना सकते थे और वहाँ के लोकल टैलेंट के साथ ही फिल्म बना सकते थे. तो ये जो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने वतन आके अपने लोगों के साथ बनाएं, तो ये एक काबिले तारीफ ये बात है. और इस बात के लिए हम उनका एहतराम करते हैं. और ये कि उन्होंने मुझे चुना या अध्ययन को चुना, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. हालांकि ये भी मैं कह रहा था कि वी आर कंपेटिटर्स, घर से बाहर हम लोग एक्टर्स हैं और हमारा रिलेशनशिप यही होता है कि हम
स्टूडियो में जब आते हैं या बाहर कहीं भी कैमरा के सामने आते हैं तो हम सिर्फ किरदार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किंग ऑफ माफिया जिस ख्वाब को लेके हम आगे निकले हैं, जिस विषय को लेकर हम आगे निकले हों, जैसा कि मैं बता रहा था कि मनीष के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, वो न सिर्फ धारा प्रवाह वो बोल भी सकते हैं, वो सोचते भी वैसा है। तो ये काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोग सोच लेते हैं, बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, अटक जाते हैं और कन्फ्यूज़ कर देते हैं और ख़ुद भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मनीष के साथ बड़ी क्लैरिटी थी, आए उन्होंने हर कैरेक्टर, ना सिर्फ, अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्टर आता है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको ही देगा और इस तरह से बताएगा कि फिल्म आप ही के लिए बन रही है, जबकि पर्दे में आप बिल्कुल नहीं दिखाई दे, पर असल का दो सीन थे उसमें, अब पता चला दो सीन है और आधे सीन वैसे कट गए और आधे सीन हीरो ने कटवा दिया, तो वो कुछ आप दिखाई नहीं देते। इन्होंने जो कहानी सुनाई उसमें मैं इंतजार करता रहा कि मैं कब आऊंगा, लेकिन जब वो वहां तक पहुंचे और वहां से सिलसिला आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत एक किरदार है और उसमें नया किया जा सकता है। देखिए, अभिनेता हमेशा एक नया किरदार ढूंढता रहता है, एक नई शख्सियत ढूंढता रहता है, एक नई पहचान ढूंढता रहता है कि इसमें मैं, मेरा जो हुनर है वो मैं उस हुनर को किस तरह से दिखा पाऊँ, अपने क्राफ्ट को कितना और मजबूत कर सकूँ। तो मुझे ऐसा लगा ये किरदार जो है हुसैन जैदी का, ये मैंने पहले अदा नहीं किया है और वो जो आप दिखते हैं या जिसके लिए जाने जाते हैं वो करना तो बहुत ही आसान होता है। जो उम्मीद न हो जनता को, दर्शकों को, वो आप कर गुजरें तो सारे ब्राउनी पॉइंट्स जो हैं वो आपके हिस्से में आते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये ऐसे ही नहीं बनता है, ये सितारे ऊपर वाले बनाते हैं, ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ स्टार, जो कौन आएगा, कौन करेगा, कौन किरदार होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन प्रोड्यूसर होगा, ये सब ऊपर वाला तय करता हूँ, किसी मकसद से ही किया होगा। तो अब I'm keeping my fingers crossed और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम लोग जब मिलके काम करेंगे तो हम लोग उस कसौटी पे खड़े उतरेंगे जिसको लेकर मनीष आगे बढ़े हैं, एडम आगे बढ़े हैं, हम सब मिलके पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आगे बढ़ने वाले हैं। अध्ययन और मैं, ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो हम लोग साथ करने वाले हैं, एक हार्टलेस जो मैंने डायरेक्ट की थी, एक बहुत बड़ी फिल्म जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ, जो भारतवर्ष के शायद सबसे अहम और सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन उसके बारे में अभी उड़ना उचित नहीं हो क्योंकि हम लोगों को वहाँ से निर्देश नहीं मिलेंगे। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा काम जो है दूसरे काम से अपने आप अच्छे काम से जुड़ जाता है, स्पिल ओवर हो जाता है, तो हम जहाँ जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो सबका समावेश जो है इसमें दिखाई देने वाला है। और एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जिस मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम कामयाब हों। और आप लोग भाई फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनय जी आपका भी, थैंक यू फॉर सर। आपका ये दिन मान पड़ा कि आपका जो है वो नेगेटिव किरदार में आप मुझे बात किया, मैं क्या सोच रहा था शेखर जी को ला सकते हैं, मैंने बोला भाई वो एक इंडिविजुअल एक्टर है और जब तक उसके ऊपर अपना रोल पसंद नहीं आएगा तब तक बेटा भी कुछ नहीं कर सकता घर पर, और दैट्स हाउ वी कीप इट यूजुअली। फिर उनकी नरेशन इनके साथ हुई, रोल बहुत पसंद आया। आई थैंक मनीष भाई ऑफ कोर्स कि उन्होंने एक क्लीशे कैरेक्टर हम दोनों को नहीं दिया, जहाँ पे वो बाप और बेटा आई नो उनका बस चले तो मुझे बाप बना दे, उनको बेटा बना दे, जैसे ही लगते हैं आजकल, बट आई और एक्टर्स के लिए वो भी गलत नहीं है, हां बाप बाप में तो वही हुआ था। सर मेरा सवाल ये है, एशिया चैप्टर 1 है, एशिया बहुत बड़ी कंट्री है, आपको किस कंट्री का माफिया बनाया? सीरिया का माफिया बनाया गया, जिम्मी डिसूजा का किरदार प्ले कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते। मैंने सीरिया में, आप जैसे जानते हैं कि एक सिविल अनरेस्ट बहुत दिनों से चल रहा है और एक रिपब्लिकन स्टेट होने के बाद वो अभी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चुका है, और जो सामाजिक हालात हैं वहाँ, जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार जो हैं वो उभर के आए हैं, उनमें से ये ऐसे दो हैं जो ऐसे माहौल का फ़ायदा लेके अपने मकसद के लिए काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से पृष्ठभूमि जब इतनी खूबसूरत हो जाती है, जहाँ पहले इस तरह का बैकग्राउंड नहीं दिखा है, तो कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा सजीव हो जाएंगे और थोड़े अलग होंगे जो किरदार अभी तक आप देखते आए पर्दे पर। अरुण जी, एक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, दोनों काम एक साथ करना
दिल जी उनको देखा उस पोस्टर पे और मैंने उनसे सब बताया भी कि मैं उनसे मिला था और उससे मुझे नहीं मालूम था आई एम हायरिंग बोथ ऑफ देम वी आर सॉरी नॉट हायरिंग आई एम गोइंग टू वर्क विद दीस टू स्टार्स अध्ययन के लिए जब इन्होंने स्टोरी सुनाई मैंने कहा कि ये स्टोरी में मेरे को मतलब टिपिकल बॉलीवुड लुक नहीं चाहिए I want to make it something look like a Hollywood style. We want to make it very like a dark in a very Hollywood style, but Indian. उसमें अगर जब इन्होंने मुझे बताया इनके बारे में अंदर जी के बारे में मैंने so sorry इनका नाम का उच्चारण करते रहते दुनिया परेशान और मैंने जानबूझ के ऐसा नाम रखा था ताकि पता चल जाए कि लोग पढ़े लिखे कितने चलिए सिखर जी ने बता दिया तो अध्ययन जी ने को जब मैंने देखा तो ऑब्वियसली आई डोंट नो मैंने अध्ययन जी को बोला था मेरी जो वाइफ है हम वेरी फैन है इनकी और मुझे हरदम म्यूजिक जब मैं कभी गुस्सा होता हूँ आपने तो कहा था कि वो मेरी फैन है एक अच्छे प्रोड्यूसर की यही निशानी होती है हर जगह जाके एक ही बात करता है जब इन्होंने बोला मैंने कहा मुझे एक ऐसे ही लुक चाहिए था जो लुक लाइक अ वेरी एजुकेटेड एंड हॉलीवुड स्टाइल मुझे जब उन्होंने बताया कि शेखर जी आ रहे हैं तो आई वाज रियली एक्साइटेड पर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब ये फोटो शूट कर रहे थे आई कुड बिलीव इट जो देखिए मैं पुलिस फोर्स में काम किया है मैंने लोगों को देखा है मैं क्रिमिनल के साथ बैठा हूँ और इन्होंने जो बात बोली एग्जैक्टली वही मैंने अभी आप क्रिमिनल के साथ ही बैठे मतलब इन्होंने ये कहा कि जब आप एक्टर मतलब ये नहीं होता है मतलब करेक्टर मतलब ये नहीं होता है कि आप एंग्री मैन हो और इन्होंने जो स्माइल दी उसमें मुझे कुछ कोरिलेट नहीं करूँगा बता नहीं सकता मेरे को अलाउ नहीं है वो कोरिलेट इनसे हुआ बहुत ही ज़्यादा यस मतलब कि दुनिया में आप बुरा काम करने वाला हरदम गुस्से में नहीं होता मेरे को उसमें पोस्टर में गुस्से में बहुत डाल दिया इन्होंने चलिए मैंने कहा चलो मैं गुस्सा हो जाता हूँ इन्होंने भाई डायरेक्टर साहब वो जो कहेंगे वही करेंगे तो वैसे फोटोशूट दो घंटे लेट हुआ था बस वही एक्सप्रेशन लाना मनीष जी को भी बहुत थैंक यू कहूँगा और मैं स्टाफ सब बैठा हुआ मुझे उसके लिए भी और उन्होंने मैम के बारे में बताया उनका प्रोफाइल दिया और इनकी चॉइस थी उन्होंने कहा मैंने कहा ठीक है जो लीड है उसकी चॉइस पहली मान जाती है ऐसे ना बोले सर ऐसा है नहीं सर हां बातें क्यों चले जाए सो सॉरी मैं नहीं मीडिया से मैं नहीं अब वेरी क्लियर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेसिकली यस सर सर आदम सर क्योंकि दूसरी कंट्री में रहते हैं और जिस कंट्री में हमारे देश में एक समय उनको भगाया था लेड़ा तो रहते हैं हमारे भाई तो कहने का मतलब ये है कि उनको जो वो कहते हैं वो एक्चुअली उनके कहने का मतलब वो नहीं होता है कहने का मतलब ये है कि स्टफी एक अच्छी एक्ट्रेस है अभिनेत्री हैं और मुझे जब उनका नाम रिकमेंड किया गया एज एन एक्ट्रेस को मैंने समझा जाना सुनाई जब मुझे लगा कि नहीं किरदार में मेरे फिट है तो मैंने सर को कहा एडम सर को कि सर इनको आप ले सकते हैं और बाकी उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनको मिल लिया जाए एक चीज़ जो मैं भूल गया हमारे इस सीरीज़ के राइटर हमारे विनय शर्मा जी मैं उनके साथ पिछले 10-12 साल से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेट हम साथ में काम नहीं कर पाए लेकिन ये अभी ये इत्तेफाक मिला है कि उनके साथ ये काम करने का अवसर हमें मिला है तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका उन्होंने फिर से एक अच्छी कहानी लिखी जिसमें हम साथ बहुत सारी लिखी है आपने बहुत सारी बना ली और बाकी जी कब फ्लोर पे जा रही है क्या प्लान जी ये मार्च में हम फ्लोर पे जा रहे हैं शूटिंग इसकी अबू धाबी जॉर्जिया और बहुत सारे लोकेशन पे हम करने वाले हैं और बाकी तैयारी चल रही है प्री प्रोडक्शन थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर वन जी चैप्टर क्या चैप्टर वन इसीलिए क्योंकि ये एशिया भर के जितने भी एशिया की कहानी बेसिकली एशिया के अंदर जो माफिया की कहानी है और ये स्पेशली सीरियन माफिया जो आपको अभी शिखर सर ने बताया जो हालात है वहाँ के उसी बीच से हमारे जो राइटर महोदय हैं उन्होंने एक कहानी निकाली और उस कहानी के हिसाब से उन्होंने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जो सुनाने का सौभाग्य मुझे मिला हालांकि ये कलम उनका है मुख मेरे है सुनाने का और वैसे ही वो जैसा उन्होंने लिखा है वैसे ही मैं उसका निर्देशन करने की कोशिश करूँ और आपके सामने चैप्टर कितने होंगे ये 100 एपिसोड्स हैं 100 चैप्टर इसके 100 एपिसोड होंगे चैप्टर इसके 10 होंगे
कलर कॉम्बिनेशन अलग लगा, बहुत अच्छा है, लुक अच्छे हैं। अब फिल्म जब जा रही है तो माफिया अलग अलग है, लैंग्वेज को लेके किस तरह, क्योंकि अलग अलग जगह माफिया है उनकी लैंग्वेज अलग होगी। जी जी जी, अच्छा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेजेस जो इसके हैं, ये लैंग्वेजेस हम जिस जगह के लिए बना रहे हैं, हमारा बेसिक लैंग्वेज हमारा हिंदी है जिस भाषा में, चूँकि इसलिए बॉलीवुड से कास्टिंग हुई है, लेकिन सारे किरदार जिस जगह के किरदार को प्ले कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज भी इस्तेमाल है, उसके लिए काफ़ी थोड़ा मेहनत और सब चीज़ें कर रही है। सॉरी मैं इसमें आप जब हॉलीवुड की मूवी देखते हैं वो जो हिंदी में डब होती है तो आप उसमें वो देखते हैं ना आपकी लैंग्वेज है, तो डजंट मैटर कैरेक्टर को हमें प्रेजेंट करना है ना, वो कहीं से किसी कंट्री का भी हो, तो ये ब्रेक करना चाहते हैं जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं मोरक्को जब मैं गया था वहाँ देखा जो सास भी बहू देख रहे थे जैसे पर पूरी अपनी लैंग्वेज में, तो ये लैंग्वेज ये है कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, नॉट लैंग्वेज, तो उसी लैंग्वेज बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे और इंग्लिश भी बोलेंगे, पर लोकल टैलेंट यूज करेंगे उनका लोकल होगा। आप जैसे पर पहरावा और दिखने में कोशिश करेंगे कि उनकी तरह दिखें या वो वेशभूषा हम अपना सकें जो वहाँ पहनी जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि भाषा पर भी थोड़ा हम काम करेंगे, थोड़ा हाँ करना ही है उस पर, और उसको एक अलग पहचान देने की जरूर कोशिश करेंगे, पर इतना भी नहीं कि वो बस हिंदी फिल्म ही नहीं लगे, फिर कुछ और लगने लगे और उसको वापस हिंदी में डब करके लगे। सबसे पहले मैम जी सर, पहले तो थैंक यू सो मच विशेष के लिए, आप लोगों को संक्रांति और पोंगल के लिए सारी शुभकामनाएं। बहुत खुश हूँ आज क्योंकि साल का पहला महीना है, न्यू ईयर की शुरुआत वैसी हुई है, मतलब साल में आई थिंक मैं पहली बार अभी आई हूँ बॉम्बे इस साल, सो वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है मेरे बाकी फिल्म से, मैंने बाकी जितने भी साउथ में फिल्म्स की हैं ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है। मेरे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं क्यूट, बबली, गर्ल नेक्स्ट डोर, इसमें आप देख रहे हैं लुक से ही थोड़ा अलग, और क्योंकि किंग्स ऑफ माफिया है तो ऑफकोर्स अराउंड माफिया गैंगस्टर इसी के आस पास स्टोरी है, कैरेक्टर्स हैं, तो मैं भी आई एम ऑल्सो प्लेइंग वन ऑफ देम। एग्जैक्टली क्या है वो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, तो मनीष सर ही बताएंगे कि कितना बता सकते हैं, बट सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एज एन एक्टर जब आप कुछ अलग करते हैं तो आप एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, नर्वस होते हैं, तो मैं भी वैसा ही फील कर रही हूँ। आई होप कि आई गिव जस्टिस टू द कैरेक्टर, एंड नर्वस डेफिनेटली हूँ क्योंकि आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद सच अमेजिंग ग्रेट एक्टर्स, तो बट भगवान जी प्लीज गिव योर शक्ति, आई डू इट। सो जी सर, फिल्म जो है माफिया पे है, कई डायरेक्टर साहब से ऐसा कुछ डिस्कस हुआ कि आप इसमें स्टंट करने वाले, फाइट सीन्स होने वाले इसमें? सर है कुछ सरप्राइजेस जो आप देखेंगे, तो उस पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, फाइट सीन डायरेक्टर के साथ होगा जैसा सुना है, अगर वैसा नहीं निकला तो बड़े फाइट्स होने वाले हैं। सर पर कुछ है सरप्राइजेस जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग को डेफिनेटली कुछ अलग देखने को मिलेगा, वो मैं बोल सकता। इंस्पायर्ड नहीं, क्योंकि बेसिकली गैंगस्टर पे बहुत सारी फिल्म्स मैंने लिखी, फर्स्ट फिल्म जिला गाजियाबाद लिखी, बड़ी फिल्म थी, तो ये दिमाग में था कि गैंगस्टर आप इंडियंस देखते हैं, इंडियंस माफिया, अभी तक आपने बाहर के माफिया नहीं देखे, वो एक अलग जॉनर है, अलग ऑरा है, आपको देख के मजा आएगा, मतलब आप सरप्राइज होंगे इसको देखने के बाद कि भाई हमने कुछ अलग देखा। बाकी तो शेखर सर ने आपको सारा बता ही दिया है। मैंने पहले आपका नाम लिया, मनीष सर बताएंगे। थैंक यू सो मच।